नमस्कार बच्चों, मैं मीना सोलंकी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पार्ट चार। तो देखो, पार्ट चार है ऊ और ऊ की मात्रा। तो सबसे पहले जानेंगे हम ऊ के बारे में, यानी छोटे ऊ के बारे में। तो बच्चों, ऊ की मात्रा केवल र अक्षर को छोड़कर सभी अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, और जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो उसमें बोलने में समय कम लगता है। तो देखो, ये है ऊ और ये है ऊ की मात्रा। अब देखो, इसे हम अक्षर पर कैसे लगाते हैं, पहले ये सीखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा इधर क, क्या है ये क, और ये है ऊ की मात्रा। तो देखो, जब मैं ऊ की मात्रा क के नीचे लगाऊंगी तो ये क्या बनेगा, कू। इसी तरह हम एक और अक्षर लेते हैं, ये मैंने लिखा ख, और देखो ख के नीचे मैंने लगाई छोटे ऊ की मात्रा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, खू। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि र अक्षर को छोड़कर ऊ की मात्रा सभी अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, तो देखो र पर ऊ की मात्रा कैसे लगती है। तो जैसे ये लिखा मैंने र, अब देखो छोटे ऊ की मात्रा र के पीछे लगाई जाती है, तो ये क्या बना, रु। आइए अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा से बनने वाले शब्द। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमको किसका चित्र दिखाई दे रहा है, गुलाब का। अब देखो, गुलाब शब्द हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखें। तो देखो, सबसे पहले है ग, धन, यह है ऊ की मात्रा, धन, ल, धन, आ की मात्रा, धन, ब। तो बच्चों, अब हम इनको जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले है ग, तो हम इधर लिखेंगे ग, और ग के बाद में क्या है, ऊ की मात्रा, तो हम इसको कहां लगाएंगे, ग के नीचे, तो ये क्या बना, गु। अब देखो, ये क्या है, ल, और ये है आ की मात्रा। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ल और इस पर लगाएंगे आ की मात्रा, तो ये क्या बना, ला। अब देखो, पीछे क्या है, ये ब, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ब, तो हमारा शब्द क्या बना, गुलाब। एक साथ पढ़ेंगे, गुलाब। आइए अब हम देखते हैं दूसरा चित्र, और बच्चों दूसरा चित्र किसका है, साबुन का। अब देखो, साबुन शब्द कैसे बना, आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, स, धन, आ की मात्रा, धन, ब, धन, ऊ की मात्रा, धन, न। अब देखो, हम इनको जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, स, तो ये लिखा हमने स, और स के पीछे क्या है, आ की मात्रा, तो हम इसके पीछे लगाएंगे आ की मात्रा, तो मिलकर बना सा। अब देखो, इधर क्या है, ब, तो हम इधर लिखेंगे ब, और ये क्या है, ऊ की मात्रा, तो इस पे लगाएंगे हम ऊ की मात्रा, तो ये क्या बना, बू। अब देखो, पीछे ये क्या है, ना, तो इधर हमने लिखा ना, तो हमारा शब्द क्या बना, साबुन। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र, और बच्चों अगला चित्र किसका दिखाई दे रहा है, पुल का। तो देखो, अब हम पुल शब्द कैसे बना ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये क्या है, प, धन, ऊ की मात्रा, धन, ल। आओ अब इन्हें जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे प, क्या लिखा, प, और इस पे किसकी मात्रा लगाएंगे, ऊ की। तो देखो, हमने इसके नीचे लगाई ऊ की मात्रा,
तो ये क्या बना? पू। अब देखो ये क्या है? ल। अब हम इधर क्या लिखेंगे? ल। तो शब्द क्या बना? पुल। आओ अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र। और बच्चों अगला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? जामुन का। अब देखो जामुन शब्द कैसे बना? आओ सबसे पहले ये क्या है? ज धन, आ की मात्रा, धन म, धन उ की मात्रा, धन न। अब बच्चों हम इनको जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इधर इधर सबसे पहले है ज, तो हम इधर क्या लिखेंगे? सबसे पहले ज, इसके पीछे आ की मात्रा, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? आ की मात्रा, तो क्या बना? जा। अब देखो इधर लिखा हुआ है म, तो हमने इधर क्या लिखा? म। अब इस पे लगाएंगे हम छोटे उ की मात्रा, तो देखो म के नीचे लगाई हमने छोटे उ की मात्रा, तो क्या बना? मुंह। अब देखो इधर क्या है? ना, तो हम इधर पीछे क्या लिखेंगे? ना, तो हमारा शब्द क्या बना? जामुन। बच्चों आइए अब हम देखते हैं उ की मात्रा से बने और शब्द। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? तू म, मिलकर बना तुम। सब पे उ की मात्रा लगी, क्या बना? सुर, सुर। गुण, गुण। धू न, धुन। अब देखो प पे उ की मात्रा, मिलकर बना पू जा री, पुजारी। म धू र, मधुर। तू ल सी, तुलसी। झू म का, झुमका। इसी तरह फू ल झड़ी, फुलझड़ी। बू ल बू ल, बुलबुल। गु न गु ना, गुनगुना। तो देखा बच्चों अभी हमने सीखा छोटे उ की मात्रा से बनने वाले शब्द। आइए अब हम सीखेंगे बड़े उ की मात्रा वाले शब्द। बच्चों अब हम सीखेंगे बड़े उ की मात्रा से बनने वाले शब्द। तो देखो बच्चों सबसे पहले जानेंगे हम बड़े उ के बारे में। तो देखो उ की मात्रा केवल र अक्षर छोड़कर सभी अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। और बच्चों जब हम बड़े उ का उच्चारण करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। तो देखो ये है उ, क्या है ये? उ। और जब हम इसे बोलते हैं तो इसमें समय भी अधिक लगता है। और बच्चों ये है उ की मात्रा। तो देखो हम पहले उदाहरण से समझते हैं कि उ की मात्रा अक्षर पर कैसे लगती है। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा इधर क। तो जैसा कि हमें पता है कि उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है, तो देखो अब हम लगाएंगे इस पे बड़े उ की मात्रा, तो ये क्या बना? कू। आओ अब हम देखते हैं एक और अक्षर, तो ये मैंने क्या लिखा? ख। अब हम लगाएंगे ख पर बड़े उ की मात्रा, तो देखो अब हम इसके नीचे लगाएंगे बड़े उ की मात्रा, तो बच्चों ये क्या बना? खू। और जैसा कि हमने देखा कि र अक्षर को छोड़कर उ की मात्रा सभी अक्षरों के नीचे लगाई जाती है, तो बच्चों र पे बड़े उ की मात्रा कहाँ लगेगी? तो देखो ये लिखा मैंने र, तो देखो बच्चों र पे बड़े उ की मात्रा इसके पीछे लगाई जाती है, तो ये क्या बना? रू। आओ अब हम देखते हैं उ की मात्रा से बनने वाले शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? देखो फूल का। अब देखो फूल शब्द कैसे बना? तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है? ध, और धन उ की मात्रा, धन ल। तो अब देखो हम इन्हें जोड़कर शब्द बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ये क्या है? फ। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले फ,
और इस पे लगाएंगे हम बड़े उ की मात्रा। तो बच्चों बड़े उ की मात्रा कहाँ लगेगी? अक्षर के नीचे। तो ये क्या बना? हु। और ये है ल। तब इधर हम क्या लिखेंगे? ल। तो हमारा शब्द क्या बना? फूल। आओ अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र। बच्चों अगला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? दूध का। अब देखो दूध शब्द कैसे बना। तो देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है? द, धन, उ की मात्रा, धन, ध। अब बच्चों अब हम इन्हें जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा द और इसके नीचे हम लगाएंगे बड़े उ की मात्रा, तो ये क्या बना? दू। और ये है ध, तो हम इधर लिखेंगे ध, तो ये मिलकर बना दूध। आओ अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र। और अगला चित्र किसका है? जूता। किसका दिखाई दे रहा है? जूते का चित्र। तो देखो अब जूता शब्द कैसे बना। तो देखो सबसे पहले ये क्या है? ज, धन, उ की मात्रा, धन, त, धन, अ की मात्रा। आओ बच्चों अब हम इनसे मिलकर शब्द बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे ज। अब इस पर किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़े उ की। और बड़े उ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? अक्षर के नीचे। तो ये क्या बना? ज और उ की मात्रा क्या बना? जू। अब ये क्या है? त। तो हमने लिखा इधर त। और ये है आ की मात्रा, तो इसके पीछे हम लगाएंगे आ की मात्रा। तो हमारा शब्द क्या बना? जूता। आओ बच्चों अब हम देखते हैं अपना अगला चित्र। और अगला चित्र किसका दिखाई दे रहा है? सूरज का। तो देखो अब हम सूरज शब्द कैसे लिखेंगे, तो आइए जानते हैं। तो देखो सबसे पहले ये है स, धन, उ की मात्रा, धन, र, धन, ज। अब हम इन्हें जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स। तो हमने लिखा इधर स। अब देखो इसके पीछे क्या है? बड़े उ की मात्रा, तो बड़े उ की मात्रा हम स के नीचे लगाएंगे, तो क्या बना? सु। अब ये क्या है? र। तो इधर हम लिखेंगे र और ये है ज। तो देखो हम इधर लिखेंगे ज। तो देखो क्या शब्द बना? सूरज। बच्चों अब हम कुछ और शब्द उ की मात्रा से बनने वाले सीखते हैं। तो देखो ये है सू, त, मिलकर बना सूत। भू, ख, मिलकर बना भूख। धू, प, धूप। ये है शा, लू, मिलकर बना शालू। इसी तरह बच्चों ये है झू, ला, एक साथ पढ़ेंगे झूला। ये है पू, जा, मिलकर बना पूजा। इसी तरह जा, दू, साथ में पढ़ेंगे जादू। ये है मू, र, त, इसको साथ में पढ़ेंगे तो क्या बना? मूरत। इसी तरह बच्चों हम ये देखते हैं, ये है ख, जू, र, साथ में बना खजूर। ये है पा, ल, तू, पालतू। इसी तरह ये है भ, र, उ, र, साथ में बने पढ़ेंगे तो क्या बना? भरपूर। इसी तरह म, ज, बू, त, तो क्या बना? मजबूत। अब देखो ये है ख, र, बू, जा, खरबूजा। इसी तरह त, र, बू, ज, तरबूज। तो देखा बच्चों आज हमने सीखा उ और उ की मात्रा से बनने वाले शब्द।